हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में CET का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 10 अगस्त से ही इसका ऑनलाइन हो रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है और इस फॉर्म को भरने के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। बिकॉज बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसका सेंटर जो है सेंटर लिस्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले CET के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, जिसका ऑफिशियल साइट हम अभी आपको ओपन कर लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे पहले इसके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने से ये होता है कि कोई भी साइट जो है पूर्ण रूप से खुलता है और सब कुछ आपको दिख जाता है एक जगह। तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में सब कुछ यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कब से इसका फॉर्म है। जैसे यहाँ पे ये बुलेटिन जो दिया हुआ है, इसे जैसे अगर आप ओपन करते हैं, ये ऑलरेडी मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है, इसीलिए डायरेक्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 10 जून से इसका डेट फॉर स्टार्टिंग ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन ऑफ चॉइस, यहाँ पे देखिए 10 जून 2019 से है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, इसे पूरी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कब इसका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, कब इसका सीट अलॉटमेंट होगा, सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। ऑनलाइन करने के लिए फिर से आपको बैक होकर इसी पेज पर आना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे जब आते हैं CET दिसंबर 2019 एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो स्टेप में सबसे पहले फॉर्म सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद लॉग इन करके आपको कम्प्लीट फॉर्म भरना होता है। तीन स्टेप में से एक बार में पहला में आपको रजिस्ट्रेशन, दूसरा में एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरे में आपको इसका फ़ी पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप में यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। तो अप्लाई पे करते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इसका नेक्स्ट पेज खुल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्टेप दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए 700 यानी कि 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहा है। अगर आप 1 to 5 अप्लाई करते हैं तो, अगर बोथ पेपर करते हैं यानी कि 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 करते हैं तो आपको 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ST और डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 350 रुपये 1 to 5 लग रहा है और 6 to 8 के लिए भरेंगे तो आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड करना होगा फॉर्म, सॉरी दोस्तों ये फ़ोटो। तो फोटो का साइज यहाँ पे देख सकते हैं 10 KB से लेकर आपका 100 KB के बीच रहना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए, तभी ये आपको अपलोड होगा। फॉर्म का फ़ी जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे नीचे टिक बॉक्स का जो है मार्क लगा दीजिएगा, उसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसका बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे सारे कुछ यहाँ पे हम देख लिए हैं, अब यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे और फॉर्म आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लगाने के बाद क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इसका मेन पेज खुल गया है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, आप अपना आइडेंटिटी टाइप चूज कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट, तो इनमें से किसी एक आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट अगर सिलेक्शन करते हैं तो आपको वहाँ पर अपना बैंक का डिटेल देना होगा, बैंक खाता नंबर देना होगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करें, मेल और फीमेल। उसके बाद अपना पर्सनल एड्रेस सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, विलेज सेलेक्ट करें, सब कुछ यहाँ पे आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग पासवर्ड यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एक पासवर्ड हिंट बता देते हैं, अगर आपका पासवर्ड इस टाइप का है, ए रहेगा या तो छोटा स्मॉल, एक अपर केस लोअर केस, उसके बाद एक नोमरिक वैल्यू 1, 2, 3 और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश, एट द रेट, ये सब जो होता है डॉलर का चिन्ह, ये आपका इस टाइप में पासवर्ड रहेगा। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक आप ये पासवर्ड बना सकते हैं। 8 से अगर नीचे रहेगा तो आपका ये अलाउ नहीं करेगा। सब कुछ यहाँ पे भरने के बाद ये नीचे सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी कोड अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और यहाँ पे फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आपको होम बटन पे जाना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद ये फिर से आपको बैक लेके आ जाएगा और यहाँ पे देखिए राइट साइड में इसका लॉगिन वाले सेक्शन दिया हुआ है। आपके मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का और आप तो जानते ही होंगे जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड आपको याद रखना है, किसी चीज़ पे आपको लिख के रख लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा और ये सिक्योरिटी पिन डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप अपना सेंटर सेलेक्ट करना है,
ठीक है, सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैटेगरी सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद फोटो अपलोड करना होता है और लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। इस तरह से आप पूरी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी तरह के अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।